तुम मुझे क्लास तक छोड़ने आओगे या नहीं? तुम्हें और क्लास तक छोड़ने मैं नहीं, तो कौन आएगा? मुझे कह रही है जो के इन दिनों हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूं आपको। सभी मटेरियल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास न्यू वर्जन अलर्ट मोशन ऐप नहीं है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप न्यू वर्जन अनलॉक्ड अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलर्ट मोशन ऐप ओपन होने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो मैंने XML एंड प्रीसेट फाइल्स दी हैं, उन तीनों XML एंड प्रीसेट फाइल को इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के बाद आपको साजम एडिटिंग बाई ट्यूटोरियल्स प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले सॉन्ग को ऐड करना है, तो आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड ऑडियो पे जाके आपको सॉन्ग को सिलेक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आपको इसमें इफेक्ट देना पड़ेगा एक, तो सिंपली जो सॉन्ग में एरर आ रहा है तो उसी का इफेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले आपको इसे लॉन्ग प्रेस करके नीचे ले जाना है। नीचे ले आने के बाद आपको सिंपली उस सॉन्ग पर क्लिक करना है जिसमें एरर आ रहा है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कॉपी लेयर कर लेना है। उसके बाद जिस ऑडियो में आपको इफेक्ट को ऐड करना है उस ऑडियो को सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पेस्ट स्टाइल कर देना है। सिंपली आपका इफेक्ट ऐड हो जाएगा ऑडियो में। तो ऑडियो ऐड होने के बाद अब आपको क्लिप्स को ऐड करना है, तो आपकी क्लिप्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी। अगर आपकी क्लिप्स ऑटोमेटिक ऐड नहीं होती हैं तो आपको जिस क्लिप को ऐड करना है उस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको कलर एंड फील्ड पे जाके इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वीडियो को सिलेक्ट करके आपको ऐड कर लेना है। तो आपकी फर्स्ट क्लिप ऐड हो गई है। अब आपको सेकंड क्लिप को ऐड करना है, तो सेकंड क्लिप पर क्लिक करना है, कलर एंड फील्ड में जाना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वीडियो को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। इसी तरह आपको सभी क्लिप्स को ऐड कर देना है अगर आपकी क्लिप्स ऑटोमेटिक ऐड नहीं होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी एडिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो हम सॉन्ग ऐड कर चुके हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट भी ऐड कर चुके हैं, जो आप पिंक एंड ये वाइट देख रहे हैं ये ट्रांजिशन है, एंड शेक इफेक्ट भी ऐड कर चुके हैं जो वीडियो क्लिप्स में पहले से ही ऐड है। तो अब हमें टेक्स्ट इफेक्ट को ऐड करना है, तो यहाँ से बैक जाना है एंड इस टेक्स्ट इफेक्ट को ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है, फिर इसी ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना है। अब आपको इस प्रोजेक्ट से बैक जाना है और आपको साजम प्रोजेक्ट को ओपन करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना। अब आपका टेक्स्ट इफेक्ट ऐड हो गया है। टेक्स्ट इफेक्ट ऐड होने के बाद अब आपको इसमें HDR CC इफेक्ट को ऐड करना है, तो सिंपली इस प्रोजेक्ट से बैक चले जाना है और आपको HDR CC प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करना है, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है, फिर इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कॉपी थ्री लेयर कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है, फिर आपको साजम एडिट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट फोर लेयर कर लेना है। अब आपका HDR इफेक्ट भी ऐड हो गया है, तो आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इम्पोर्ट कर लेना है।